ले खा। अरे नहीं खा तो बिस्किट खाए बट खाए बट खाए बट साहबा यार माता रानी जो प्रसाद है खाए बट खा। वाह 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 वाह। पेट्रोलियम सर्विस, उसके बाद भी दो पेट्रोल पंप और फिर उससे आगे भी पेट्रोल पंप, फिर पेट्रोल पंप। तो गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय सनातन धर्म की। तो एक और नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हमारे 7वां दिन और 6 नाइटें हो चुकी हैं। तो अभी हम कराची नादरा हाईवे है वहाँ के बराबर में एक अपने हिंदू गांव से वहाँ पे नाइट स्टे किया था। सभी निकलने की तैयारी कर रहे हैं। जय माता दी बाबू, हमारा पावर बेगा तो लाए चाहे खबरें। तो गैस हमारे लिए सुबह में हलवा बना था और चाय बन चुकी है, चाय बांट रहे हैं। धन्यवाद भाई, थोड़ी थोड़ी भाई चाय बांट रहे। तो गैस ये हलवा बनाया है और ये धर्मशी भाई चला रहे हैं। धन्यवाद भाई, आप सेवा में अपना पूरा टाइम देते हैं। धन्यवाद, माता रानी आपको हमेशा खुश रखे। तो सबके सब अभी चाय पी के रेडी है और हमने हलवा खा लिया, अभी चाय पी रहे। तो चाचा जी कब निकलेंगे अपन? निकलने वाले बस 10-15 मिनट निकलेंगे, 10-15 मिनट निकलेंगे। तो ये भाई लोग जो सेवा में अपना टाइम दे रहे हैं, धन्यवाद गोविंद भाई। और यहाँ पे अभी सुबह सुबह हलवा बनाया था भाइयों ने, तो उनकी बहुत बहुत धन्यवाद अपने हिंदू भाई का जो यहाँ तक हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। माता रानी की कृपा है और उनके घर में हमेशा सुख शांति रहे, ऐसे ही माता रानी उनके घर में बरकत करती रहे। तो अभी ऑलमोस्ट तकरीबन सबके सब भाई जो यात्री हैं चाय पी चुके हैं और अभी निकलने की तैयारी। जी जी पी लीजिए, पी लीजिए, पी लीजिए, पी लीजिए। तो अभी मैं भी अपने बोरिया बिस्तर इकट्ठे करता हूँ और निकलता हूँ। तो तुम्हारा नाम शिव बाबू? मारा नाम चंदर है। चंदर भाई, तो गाइस चंदर भाई ने भंडारा कराया था, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाई भी है और इनकी पूरी टीम है यहाँ पे, अपने हिंदू भाइयों का पूरा पहाड़ा है गाँव है यहाँ पे। तो अभी यहाँ से निकल, हर साल यहाँ पे जत्था इसके करते हैं और ये भंडारा वगैरह कराते हैं, बहुत सारे जत्थे निरंजन। तो अभी यहाँ पे यात्री निकलने की तैयारी है और माता रानी की राह में अभी दोबारा से निकलने के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और आप लोग भी जुड़े रहिएगा चैनल पर, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस शुभ यात्रा का आनंद आप भी उठाएं और हम तो वैसे उठा ही रहे। शंख बजा रहे हैं जब भी चलते हैं। जय माता दी बापू। प्रेम भाई जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मुकेश भाई अब ठीक हो? बस क्लास, बस क्लास। तो गाइस मुकेश भाई की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी लेकिन अभी ठीक है, माता रानी की कृपा से। एक दो बंदे और भी थे जिनकी जिनकी तबीयत खराब हो गई। भाई सब सब खास है हमारे लिए, ऑल इज इक्वल, नोबडी मोर देन वन। तो अभी चलते हैं ना बाबा। अभी यहाँ पे मोबाइल इतना नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ के एरिया बहुत खतरनाक है कराची के, उस वजह से बस गांव में है। तो आपके साथ इंट्रो शेयर कर भाई जो हमारे देते हुए चल रहे हैं। बस फाइनली अभी काफला निकल चुका है और अभी रात के बज रहे हैं 3:30। तो आज थोड़ा सा लेट निकले वरना 2 बजे या 3 बजे निकलते हैं, लेकिन आज ये आधा घंटा पूरा लेट है। बहरहाल हुप चौकी तक यहाँ से तकरीबन 15 या 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन अभी सफ़र स्टार्ट हो चुका है। जुड़े रहिएगा और एंजॉय करें। तो फिर रात स्टे किया था, वहाँ से निकलने के बाद ये फर्स्ट स्टे है और यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे फिर आगे निकलेंगे, क्योंकि आगे यहाँ पे ग्राउंड सही था उस वजह से यहाँ पे बैठ गए। चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं और मेरे पाँव में दर्द बढ़ता ही जा रहा है। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके चल के आपके साथ एक्सप्लोर करता हुआ चलूँ। तो यहाँ पे बैठेंगे थोड़ी देर फिर निकलेंगे। बस अभी यहाँ से निकलने की तैयारी, तकरीबन आधा घंटा रेस्ट किया, अभी यहाँ से मूव होते हैं और अभी पहाड़ स्टार्ट हो चुके हैं। हुप चौकी से तकरीबन 10 किलोमीटर अभी हम पीछे, वहाँ पे जाके हुप चौकी में जाके रेस्ट करेंगे और चाय वगैरह मेरे ख्याल से वहीं होगी, बहरहाल कुछ पता नहीं है। सफ़र अभी कंटिन्यू है। जय माता दी। अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और अभी चाय वगैरह का प्रबंध कर रहे हैं चाचू जी वाले के, गाड़ी यहाँ पे खड़ी की है और मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा इश्यू हो गया, चल नहीं पा रहा सही नमूने से, लेकिन अभी यहाँ पे चाय का प्रबंध होता हुआ यात्री यहाँ पे वेट करेंगे। चाय वगैरह बन रही है। चाचू कौन सा स्टॉप है? हुप चौकी। चलो सर
तकरीबन 2 किलोमीटर, तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है। अभी चाय बनने की अभी तैयारी हो, सामने यात्री भी आ चुके हैं। जय माता दी, जय माता दी। तो अभी काफ़ी वाले लोग भी पहुँच चुके हैं और यहाँ देखिए ये बाइक, फाइनली सारे यात्री पहुँच गए। जय माता दी बाबू, जय माता दी। यहाँ पे बैठेंगे, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करेंगे, फिर आगे निकलेंगे। वैसे ये सिंध का लास्ट एरिया है और थोड़ी देर के बाद हम बलोचिस्तान में एंटर हो जाएंगे। कैसा जा रहा है सफ़र? बहुत ही अच्छा जा रहा है। और यहाँ पे ये हमारे बॉडीगार्ड है, हमारे साथ थे, अब मुझे कॉल की थी, और जब भी मैंने कभी नहीं कॉल की, हमेशा मुझे कॉल करते रहते, भाई कहाँ कहाँ, थैंक यू। मेरा केयर रखने वाले यहाँ पे बहुत है, बट अभी यहाँ पे बैठते हैं, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ होगा और चाय वगैरह पियेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। तो गैस अभी यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, इलायची, इलायची तोड़ रहे हैं गोविंद भाई, और यहाँ पे ये चीनी पड़ी है, यहाँ पे देख चढ़ी हुई, इतना सारा पानी डाला हुआ है इसमें, तो क्या चीनी डाल दी है क्या? चीनी डाल दी है हाँ, और अभी इसमें इलायची डाल रहे हैं और चाय बना रहे हैं। सिलेमानी चाय, दूध वाली होगी, कावा चाय होगी। यहाँ पे दूध कहीं मिलता ही नहीं है, असल में क्या होगा तो पाउडर होगा, पाउडर वाला होगा। तो सबके सब यात्री बैठे हुए हैं, रेस्ट करते हैं, हम भी रेस्ट करते हैं। तो गाइस अभी चाय आ चुकी है और भोला भाई से अभी जाके मिले, हम नाश्ता कर रहे हैं, हम सफ़र कर रहे थे तो नहीं मिल पाए, आगे पीछे चल रहे थे, लेकिन अभी जाके मिले। तो और अभी शंख बज रहा है, भगवद गीता का पाठ हो चुका है, श्रीमद् भगवद गीता का शंख बजा रहे हैं। जय माता दी। वैसे अभी चाय शाय हो गई है और भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ भी हो चुका है, और ये बाबी बांट रहे हैं अंकल जी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे, ये टूर बहुत ही बढ़िया और काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है, और मेरे स्पेशली हमारे हिंदू भाई है जो दूसरी कंट्रीज से हिंगलाज माता के दर्शन नहीं कर पाते, उनको, उनके लिए मैं ये पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उनके साथ पूरी पूरी अपडेट शेयर करता हुआ चलूँ, कि पाकिस्तान में भी अपने हिंदू भाई इतना वो भक्ति भावना है, यहाँ पे पाकिस्तान में भी तो कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल बहुत ही अच्छा जा रहा है सफ़र और आप लोग भी आनंद ले रहे होंगे। बाकी जहाँ हम पहुँचे हैं कि वहाँ पे बलोचिस्तान में जहाँ पे माता रानी का मंदिर है, वहाँ पे सर्विस वगैरह नहीं होगी, लेकिन आपके साथ में पूरी कोई अपडेट जो भी होती है, जिस तरह से हम ब्लॉग बना रहे हैं उसी तरह से पूरी पूरी अपडेट आपके साथ शेयर करूँगा। फिलहाल थोड़ी देर बैठते हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे। और अभी यहाँ से बोलने जा रहे हैं हम, अभी तकरीबन 1 या 1.5 घंटे के बाद हम बुक चौकी क्रॉस कर लेंगे, जो एंट्री ऑफ द बलोचिस्तान है, बलोचिस्तान में एंटर हो जाएंगे। और यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर्स या 15 किलोमीटर कोई अंदाज़ा नहीं लग रहा, लेकिन गूगल पे जा रहे हैं, वहाँ पे तकरीबन 25-26 किलोमीटर बता रहे हैं, और बाकी ऐसे बोले 15 किलोमीटर शॉर्टकट भी हो सकता है, लेकिन कुछ पता नहीं। बहरहाल देखते हैं कितना टाइम लगेगा, क्या होगा, वो सब आपके साथ वैसे शेयर करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। आप लोग भी जुड़े रहिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ये पूरी जर्नी देखते हैं। तो कैसे अभी आ चुका हूँ मैं गाड़ी के ऊपर, ये चाचू वाली गाड़ी, और यहाँ पे थोड़ी देर खड़े रहते हैं, बाकी देखते हैं कितने टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है, कपड़े वगैरह भी धोने हैं। और यहाँ दूसरी बात ये मैं बताता हुआ चलूँ कि मेरी शर्टें अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे कपड़ों में पानी की दिक्कत है, उस वजह से ज़्यादा शर्ट्स वगैरह हमने चेंज नहीं की, और काफ़ी कपड़े विदाउट धुले भी पड़े हुए हैं, उस वजह से ये पहन के चल रहा हूँ, एक ही सूट पहन के चल रहा हूँ कब से। और जब अब पानी आएगा फिर कपड़े वगैरह धोएंगे, फिर आगे चेंजिंग वगैरह होगी। तो ये चाय बनाई थी वो देख भाई धो रहे, और ये छोटे बच्चे भी काफ़ी आ चुके हैं और वो होके गए हैं यहाँ पे, और अभी निकलने की तैयारी, धूप ही निकल चुकी है। तो गाइस फाइनली अभी माता रानी के यात्री मूव होते हुए, और बहुत ही खुश। बोल इंगलाज मैया की, शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो, जय हो। तो गाइस अभी यहाँ से मूव होता है और काफिला निकल चुका है आगे, अभी निकल। तो गाइस ये इमली के दरख्त हमें नज़र आए यहाँ पे, इसमें इमली लगी हुई है, और ये हमदर्द यूनिवर्सिटी उसके बराबर है। तो गाइस ये इमली के दरख्त है और यहाँ पे मट्टी लगी है, हाईवे के बराबर है ना, उस वजह से बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये इमली के दरख्त। तो गाइस काफ़ी 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 टाइम के बाद ये हमें देखने के लिए पानी मिला है, और अभी हम बलोचिस्तान में एंटर होने वाले हैं, ये लास्ट स्टेज है। अभी स्टार्टिंग में पानी देखा था ऐसे चलते हुए, और अभी एंड पे देख रहे हैं।
और अपने जो काफिला है शॉर्टकट में निकल चुका है। मैं अभी चाचू वाले की गाड़ी में आ चुका हूँ। असल में सीन ये हुआ कि मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया, उस वजह से मैं गाड़ी में आ चुका हूँ। सोचा थोड़ा रेस्ट कर लूँ, उसके बाद फिर से अपनी जो जर्नी है वो कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे पेट्रोल तकरीबन 50-60 रुपये सस्ता मिलेगा। अभी आगे हम चलेंगे ना तो फिर मालूम करते हुए चलेंगे क्या रेट है, क्या भाव है बने हुए जो आपको नज़र आ रहे हैं। तो गाइस फाइनली अभी बलूचिस्तान में इंटर हो चुके हैं। ये यहाँ से अभी बलूचिस्तान के इलाका शुरू हो चुका है। ये छोटे छोटे पेट्रोल पंप बने हुए, यहाँ पे पेट्रोल पंप जहाँ कहीं पेट्रोल पंप भी मिलेगा। यहाँ पे पेट्रोल पंप की जो क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही है, यहाँ पंप बने हुए। तो गाइस यहाँ पे पेट्रोल पंप ऐसे लगे हुए जैसे हमारे वहाँ तो केबिनें लगी हुई होती है ऐसे। सामने यहाँ पे भी पेट्रोल पंप कार ऑन पेट्रोल पंप सर्विस। यहाँ तो ऐसी शॉपें बनी हुई है छोटी छोटी, यहाँ पे दूसरे पेट्रोल पंप, उसके बाद भी पेट्रोल पंप। अब पेट्रोल पंप भी नज़र आएंगे और यहाँ पे पेट्रोल थोड़ा सस्ता है, सोचा पेट्रोल पंप भी देंगे। हमारे वहाँ तकरीबन 5-6 किलोमीटर पे पेट्रोल पंप मिलते हैं और यहाँ पे केबिनों की तरह पेट्रोल पंप नज़र आ रहे हैं देखो। तो अभी हम बलोचिस्तान में फाइनली एंटर हो चुके हैं। अभी हम बलूचिस्तान में इंटर हो चुके हैं और अपना जो काफिला है वो शॉर्टकट में निकल चुके हैं। मेरे पाँव में दर्द था, उस वजह से मैं गाड़ी में आ गया। और हाँ, यहाँ पे चलते चलते इतने पेट्रोल पंप नज़र आ रहे हैं जितने तो मैंने कभी देखे ही नहीं है। इसी तरह से हमारे वहाँ पे केबिनें होती हैं, यहाँ पे इसी तरह से पेट्रोल पंप है। और यहाँ का जो पेट्रोल का रेट है डीजल का 240 रुपये और डीजल, और पेट्रोल का जो रेट है 260 रुपये तकरीबन। पेट्रोल में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, डीजल में ज़्यादा फ़र्क आया। तो अभी आगे चलते हैं, देखते हैं भाई कहाँ पे जाके मिलते हैं अपने यात्रियों से, माता रानी के जो यात्री निकले हुए हैं। तो गाइस अभी जाके हमें थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि हम इज़ लाइक इन सिंध, बलूचिस्तान में है, लेकिन यहाँ पे अपनी जो सिंध की जो बन्नी है बोले, जिसकी खेती बोले, ये सारी की सारी सेम लग रही। और उस तरफ जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे होंगे, बड़े बड़े पहाड़। अभी आगे इंगलाज माता के धाम की तरफ हम बढ़ते जाएंगे, इतने बड़े बड़े पहाड़ हमें और नज़र आएंगे। लेकिन अपने सेम एज इट इज़ सिंध की तरह ही यहाँ पे इसका माहौल और जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं इज़ लाइक अवर सिंध टू द लैंड ऑफ बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान में अभी हम एंटर हो चुके हैं और अभी यहाँ पे हम कपड़े वगैरह धोने के लिए रुके, क्योंकि पानी हमें कहीं नहीं मिला था। कि जब हैदराबाद से निकले थे नहर कहीं नज़र नहीं आई थी, अभी पानी की नहर यहाँ पे चल रही, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे कपड़े वगैरह धो लें। और कपड़े इतने दिन हो गए, तीन दिन हो गए कपड़े चेंज नहीं किए, कपड़े वगैरह धोएंगे और चेंज करेंगे। बाकी जो भी सीन होते हैं आपके साथ शेयर करते हुए चलेंगे। आई होप यू विल एंजॉय दिस। वगैरह ले लिए, चलो धोते। और यहाँ पे सेम टू सेम मुझे अपना एरिया सेम लग रहा है, सेम टू सेम। लेकिन दिस इज़ बलूचिस्तान, यू नो अबाउट मारेंग बलोच। तो उनकी प्रोविंस में हम दूसरे प्रोविंस में भी आ चुके हैं। यहाँ पे वाटर है, नहर। चाचू जी वेलकम टू द बलूचिस्तान। बलूचिस्तान ये नहीं, अभी तक अभी नहीं है, मतलब एरिया तो लग रहा है ना, ये सारा एरिया अभी दूर है, अभी मिशन चल रहा है, अभी आगे जाएंगे उसके बाद। ये अभी एक स्टेशन गुजरी यहाँ से, तो वहाँ पे लिखा था बलूचिस्तान पुलिस स्टेशन। हाँ, तो बलूचिस्तान पुलिस स्टेशन अपन के हिसाब से नहीं, अपन घूम के जा रहे हैं, लेकिन सीधा जाते हैं अब जो कि क्रॉस करेंगे जब बलूचिस्तान आए। मतलब उनका एरिया लग रहा है ये वाला, मैंने स्टेशन देखी थी उस वजह से बोल रहा हूँ। बरहाल ये पानी चल रहा है यहाँ पे और कपड़े वगैरह धोएंगे यहाँ पे, फिर आगे तो कपड़े धो लेते हैं फिर मिलते हैं। तो गाइस फाइनली मैं तो नहा लिया हूँ। और यहाँ का जो पानी है ना, पानी एक नेचुरल ही होता है, वो नहीं है, लेकिन ट्यूबवेल वगैरह लगे उसका पानी है, बिल्कुल वाइट वाइट सा जो यहाँ देखें पानी ये गुजर रहा है ना, बिल्कुल नज़र आ रहा है नीचे। डैम का पानी है, ये डैम का पानी आ रहा है यहाँ पे। अपने सिंध में है तो जमड़ाऊ का पानी आता है, वो नेहरू का पानी आता है, यहाँ पे वो नहीं है। तो मुकेश भाई की ड्यूटी लग चुकी है यहाँ पे गाड़ी को धोने की, और बाकी सब वो नहा रहे हैं, कोई कपड़े धो रहे हैं, सारा कुछ अपना अपना काम कर रहे हैं। और अपने काफले वाले लोग वहाँ से आ रहे होंगे, और हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं फ्रेश होकर फिर आगे निकलेंगे यहाँ से। तो गाइस पानी की यहाँ पे स्पीड बहुत तेज है, ये देखें पानी बहुत तेज जा रहा है भाई। यहाँ पे बलूचिस्तान के डॉग भी बिल्कुल शरीफ लग रहे हैं मेरे को। अरे भाई ख्याल करना, लगे नहीं पीछे। तो गाइस यहाँ के डॉग भी शरीफ है बिल्कुल, देखो गायर हो गए।
टॉमी शरीफ ला के रो दे। अरे यार बिस्किट भी ला हो तो गाइस यहाँ पे साफ सफाई वगैरह कर रहे हैं, टमाटर वगैरह जो बनाते हैं, चावल वगैरह बनाते हैं और पूरी गाड़ी को सफाई की, कपड़े वगैरह धो लिए नहा लिए। और तो गाइस इसके लिए हमने बिस्किट लिया है, बिस्किट हले हाँ हले ले खा। अरे नहीं खा दो बिस्किट खाएवट 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 साबा यार माता रानी जो प्रसादा खाएवट खाएवट खा। वाह 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 माता रानी प्रसाद किधर तार खाए रहे खाई ले खाई ले खाई ले शाबाश। अभी निकलने की तैयारी है, सारा कुछ सेटिंग हो चुका है और अभी निकलते हैं यहाँ से, सीधा मिलता है अपने काफले के पास। अभी हम भी पहुँच चुके हैं अपने काफले को, काफला हमसे आगे निकल आया था और यहाँ पे भी हाथ मुंह कोई धो रहे हैं, कोई जा रहा है कोई आ रहा है किसी तरह से। हमें पीछे छोड़ दिया काफला, इतना तेज़ जा रहा है क्योंकि हम तकरीबन एक डेढ़ घंटा वहाँ पर बैठे थे। और अभी यहाँ पर अपने सफ़र में माता रानी के भक्त। तो गाइस हमारे यहाँ रोडों के ऊपर पानी ऐसे लगाया जाता है, ये देख टंकी जा रही है और रोड के ऊपर छटकार किया जा रहा है, असल में ये रोड बन रहा है उस वजह से अच्छी तरह से पानी लगा रहे और काम चल रहा है रोड का, देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे कुछ भीड़ ज़्यादा हो गई, यहाँ पर ऑटो रिक्शा ज़्यादा नज़र आ रहे हैं ऑटो रिक्शे। ये भी शहर काफ़ी बहुत बड़ा है, यहाँ पे बकरा मंडी भी है भाई, बकरा मंडी। तो गाइस फाइनली अभी लग रहा है थोड़ा भीड़ में से बाहर आ चुके हैं। शहर बहुत ही बड़ा है हमारे पास की तरह, लेकिन हमारे बिट्टू घास से भी बड़ा लग रहा है मुझे, यहाँ से आप अंदाज़ा ही लगा सकते हो। तो गाइस अभी यहाँ पे पेट्रोल के सामने वहाँ से पेट्रोल पम्प भरा रहा है और यहाँ पर 235 का हमें लीटर बड़ा है, बाकी 240-260 तक वैसे चल रहा है लेकिन 235 तक चाचू को मिल गया यहाँ। तो गाइस फाइनली अभी हम जो कि सिटी है उसे बाहर आ चुके हैं, तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकेंगे जब तक अपना माता रानी के जो काफला आ रहा है वो यहाँ तक नहीं पहुँचता, तब तक हम यहाँ पे वेट करेंगे और बैठने तकरीबन 1.5-2 घंटे यहाँ पर लगेंगे तब तक। बस अभी हम पहुँच चुके हैं यहीं पर, यहाँ पर अपना जत्था ठहरा हुआ और यहाँ पर कहाँ पर रुके हैं यहाँ पे अपने जो हिंदू भाई है लड़के काम करते हैं कंपनी में दिए हुए, तो ये रूम वगैरह दिए हुए यहाँ पे इशारा किया है सबने मिलके और यहाँ पे सबके सब यात्री रेस्ट कर रहे हैं फिर निकलेंगे। बहरहाल फिलहाल तो बाहर है ये भाई लोग अभी चलते हैं पे। तो बस यहाँ पे भंडारे का प्लान किया हुआ था और अभी खा पी के सब यहाँ से निकल रहे हैं, भाई का धन्यवाद मेहरबानी। ठीक है भाई फरकाश फरकाश शू ना भाई ठीक है ऑल ऑफ यू थैंक यू आपको हाँ यूट्यूब माता दो ठीक है बाय बाय धन्यवाद। तो बस अभी यहाँ से निकलते हैं, खाने पीने का प्रबंध यहीं किया हुआ था और काफ़ी अच्छा प्रबंध भाई जो फैक्ट्री में काम करते हैं उन्होंने सब मिलकर उन्होंने एक टीम बनाई थी जिसने सारे जो हमने यात्री थे उनको खाना पीना कराया। अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं सीधा मिलते हैं भाई जाती की गाड़ी जाने लगी। बस अभी यहाँ से निकल रहे हैं और अभी नाइट करेंगे डीजी फैक्ट्री। तो भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद अपने जो यात्रियों को भोजन वगैरह कराए और हमारे ये दोस्त भी आए हुए थे यहाँ पे भाई नमस्ते नमस्ते। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं धन्यवाद धन्यवाद। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और इस लोग को यही प्यार करते हैं, मैं कहता हूँ पसंद आया अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट करना मिलते हैं एक और नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय सनातन धर्म की जय माता दी।